नमस्कार दोस्तों, ये देखिए भेड़ हैं हमारे सामने और काफ़ी सुंदर बना रखा है और इनके ऊपर कुछ बैज भी लगे हुए हैं। इनकी जानकारी लेते हैं क्या कुछ। भाई क्या नाम अपना? मेरा नाम जिया जी। कहाँ से हैं? आमदांग खुल से आ रहे हैं जी। जिला कौन सा होगा? भिवानी जी। भिवानी जिला हरियाणा से हैं। कितनी भेड़ लेके आए हैं यहाँ पे? ये जी ये 4 नग लेके आए जी। 4 फूल तो तीनों पे लगे हुए हैं। हाँ जी, एक कौन आई जी। तीनों ने इनाम जीती है? हाँ, इन तीनों ने इनाम जीता है। किस चीज में इनाम जीती है थोड़ा बताओ? नस्ल में इनाम जीता है जी। नस्ल में इनाम जीती है? हाँ जी। अच्छा, ये वाली है कौन सी पोजीशन पे रही? ये तीसरे पोजीशन पे जी। और ये चौथे पोजीशन पे जी। और ये वाली? ये तीसरे पोजीशन पे जी। दो तीसरे पोजीशन पे रही और ये चौथी ये है? हाँ जी, ये चौथी ये जी। ये इनाम नहीं आई? ये नहीं आई जी। अच्छा, कितनी भेड़ है अपने पास जी? मेरे पास 50 पशु जी। 50 भेड़? कब से रख रहे हैं? बहुत साल तक रखा जी। मतलब आपके पिताजी दादा वो सब भी रखते हैं? सब रख दे आए जी। जैसे अभी चलन ज़्यादा बकरियों का हो रहा है, आप भेड़ रख रहे हो, क्या कारण है? जी अमीन नहीं, ये पसंद है जी। ये पसंद है? शौक जी। मुनाफा वगैरह कैसा है इनमें? बहुत है जी अमीन। दोबर ब्याती है जैसे कि, तो कितने दिन में दोबर ब्या जाती है? ये 6 महीने में एक बार ब्याह जी। 6 महीने में एक बार ब्याई, उसके बाद में कितने दिन बाद में आगे की क्रॉस हो जाती है? ये भी ना बाद में क्रॉस हो, एक महीने बाद में, यानी कि 13-14 महीने में दोबर ब्या जाती है। हाँ जी। ये फूल फूल वाले? अच्छा, जो बच्चे हैं छोटे, हाँ जी, वो कितनी उम्र में बेचते हैं आप? हम 2 महीने का 1.5 महीने का बच्चा बेच दे वहाँ जी। कितने रुपये में बिक जाता है ये? 4,000-4,500 रुपया बच्चा बिक जाए जी। तो जल्दी बेच देते हैं आप 2 महीने का, तो छोटा होता बहुत ये बिक जाए जी। अगर आप बड़ा करके बेचे तो ज़्यादा कीमत में बिके? हाँ, वो ज़्यादा कीमत में बिका जी। तो क्या कारण है इतनी जल्दी बेचने का? वो नस्ल में है जी। हाँ हाँ, जैसे बकरी वाले तो दूध निकालने के चक्कर में बेच देते हैं बच्चे को, ये बच्चे के कारण, इनकी पालत बच्चों की है जी। अगर बच्चे साथ रखोगे तो दोबारा हीट में नहीं आएगी ना, ये कारण है ना? हाँ, यही कारण। अच्छा, तो जैसे कि ये वाली भेड़ है कितनी उम्र की है? ये जी होगी जी 4-5 साल की जी। 4-5 साल की? कितने बच्चे दे चुकी होगी ये? ये भेड़ मिंडा जी है। मिंडा जी? मिंडा है ये। हाँ जी, 3 साल का मिंडा है। और भेड़? ये भेड़ है ना जी? ये भी मिंडा? ये भी मिंडा ही है। हाँ, सारे मिंडे हैं। हाँ जी, ये भेड़ है, इस साइड वाली, इस साइड वाली भेड़ है। कितनी उम्र की भेड़ बच्चा देने शुरू कर देती है? ये जी 7-8 महीने भेड़ बच्चा देना चालू कर देती है। 7-8 महीने की तो क्रॉस करवाएंगे आप? ना, पहले ही हो जाए जी। 7-8 महीने के होने से पहले ही? 1 साल में? 1 साल में हो जाए। 1 साल की होने पे क्रॉस करवाते हैं आप? हाँ जी। फिर उसके 6 महीने बाद में बच्चा देती है? 6 महीने या 5 महीने में? 6 महीने में दे देती। 6 महीने में बच्चा देती है? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि पहली बार बच्चा देने वाली भेड़ कितने रुपए में आ जाती है? वो जी 10,000 रुपये में आ जाए जी। 10,000 रुपये में? नस्ल कौन सी होगी? ये नाली जी। नाली नस्ल की 10,000 रुपये में आ जाती है जी। अच्छा, अपने पास कोई है भेड़ अभी बिक्री के लिए जैसे कि फार्म पे? सह जी है। हाँ जी, ठीक है। तो बाहर चराते हैं ये जी? चराने के लिए बाहर ले जाते हैं जंगल में? हाँ, बाहर लेके जावा जी। या फिर अपने वहीं पर रख के भी चराते हैं? जंगल में लेके जावा पूरी साल? हाँ, पूरी साल जी। अच्छा, तो बीमारी वगैरह कोई आती है इनमें? आओ जी। कौन सी बीमारी आती है जी? बीमार हो जाए, मर जाए, लंगड़ोए की आ जाए जी। अच्छा। हाँ जी। तो वैक्सीन लगाते हैं वो नहीं करवाते हैं क्या आप? सब हो जी, वैक्सीन भी लगे। वैक्सीन होने के बावजूद भी मर जाती है? मर जाती है जी कई बारी। अच्छा, ठीक है। कैसा मुनाफा है? मुनाफा सही है जी। सही है? हाँ जी। 50 भेड़ में लगभग कितनी कमाई हो जाती है साल? ज्यादा 1.5-2 लाख रुपए जी। 1.5-2 लाख रुपए कमाई है? हाँ, साल भर की। अच्छा, अगर आपसे कोई भेड़ लेना चाहे तो अपने फोन नंबर बताओ। 70-56। हाँ, 83-21-56। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और भाई, किसी भाई को अगर इनकी भेड़ पसंद आती है और इनके फार्म पे और भी हैं 50 के करीब भेड़ हैं, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर।